मंजिल पाने को लेकर सुना था कि कई जने गलत रास्ता अपना लेते हैं, लेकिन जब कोई मॉडल या एक्ट्रेस ऐसे करे तो आपको हैरानी जरूर होगी। आज ऐसी ही हसीनाओं के बारे में बात करेंगे जिनका नाम देह व्यापार से कई बार जुड़ा। चलिए, आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपोर्ट एक्सक्लूसिव न्यूज और मैं हूँ आपका अपना कुलदीप शर्मा। अपनी मंजिल को पाने के लिए अभिनेत्रियाँ कई बार गलत रास्ता अपना लेती हैं और अपने सिर मुसीबत मोल ले लेती हैं। सिनेमा जगत में ग्लैमर की चमक धमक जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। बॉलीवुड की इस माया नगरी में अपना करियर बनाने आई हर एक्ट्रेस के सितारे इतने बुलंद नहीं होते कि वो सिर्फ एक्टिंग के दम पर काम तलाशे और एक मुकाम तक पहुंच जाए। अपनी मंजिल को पाने के लिए अभिनेत्रियाँ कई बार गलत रास्ता अपना लेती हैं और अपने सिर मुसीबत मोल ले लेती हैं। ऐसे ही चक्रों में पड़कर कई अभिनेत्रियां काम के चक्कर में देह व्यापार के धंधे तक में फंस चुकी हैं। ये कहानी है कुछ अभिनेत्रियों की जो हम आपको बताएंगे। अगर हम इन हीरोइन की लिस्ट की बात करें तो इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर जो आता है उसका नाम है श्वेता प्रसाद बसु। जी हाँ, श्वेता प्रसाद बसु, जो 2002 में फिल्म मकड़ी में बेहतरीन एक्टिंग के लिए श्वेता को नेशनल अवार्ड मिला था। कुछ समय पहले श्वेता को पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। तब खबर आई थी कि आर्थिक तंगी के चलते श्वेता यह काम कर रही थी, लेकिन बाद में श्वेता ने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा कि वो इस तरह के किसी रैकेट में कभी नहीं आई थी। अब कहानी करें हम दूसरी एक्ट्रेस की बात करें, अभिनेत्री की बात करें, तो वो है ऐश अंसारी। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है ऐश अंसारी का, जिन्हें जोधपुर पुलिस ने साल 2011 में एक सेक्स रैकेट में शामिल होने के चलते गिरफ्तार किया था। अब तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर में आता है भुवनेश्वरी। वो एक्ट्रेस का अगला नाम है भुवनेश्वरी। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में आइटम सॉन्ग करने वाली अदाकारा भुवनेश्वरी ने कई सारी बी ग्रेड फिल्में की हैं। एक समय में भुवनेश्वरी की अदाएँ लोगों को पागल कर देती थी। भुवनेश्वरी को चेन्नई में एक सेक्स रैकेट का हिस्सा होने के लिए गिरफ्तार किया गया था। और वहीं अगर हम अगले एक्ट्रेस की बात करें तो अगली एक्ट्रेस है सरलीन चोपड़ा। हाँ जी हाँ, आप सही चुन रहे हैं। अब बात सरलीन चोपड़ा की है। अडल्ट फिल्म स्टार सरलीन चोपड़ा ने खुद इस बात का इकरार किया था कि वो पैसों के लिए लोगों के साथ सो चुकी है। हालांकि कई लोग उनके इस बयान को पीआर स्टंट भी मानते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें, हम बताएंगे, अगर ऐसी कुछ महिला एक्ट्रेस हमारे सामने आती है तो हम जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे।